जय हिंद, नमस्कार साथियों, जय हिंद साथियों। दोस्तों आज का वीडियो दोस्तों पूरा अनुभव वाला है, और जो भाई आर्मी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों ये वीडियो आप जरूर देखें। और पूरा वीडियो दोस्तों है मेडिकल टेस्ट पर कि इंडियन आर्मी में मेडिकल टेस्ट कैसे होता है, किन किन बातों का विशेष ध्यान दें, और कहां कहां पर दोस्तों एमएस पॉइंट मिलता है, और कहां पर दोस्तों रीमेडिकल पॉइंट मिलता है, और वहां पर कौन कौन सी गलती आपको नहीं करना चाहिए। दोस्तों आज मैं बताने वाला दोस्तों यहां से स्टार्ट करूंगा और यहां पर बंद करूंगा। जी हां दोस्तों, विश्वास और आशा दिलाता हूं जिस भाई ने भी इस वीडियो को पूरा फॉलो कर लिया, बहुत सारे यूट्यूब पर कमेंट्स आते हैं, इंस्टाग्राम पर मैसेज आते हैं कि बोले कि सर मेडिकल टेस्ट कैसे होता है, किन किन बातों का विशेष ध्यान दें, सर मुझे सर मेरी उंगली कटी हुई है सर, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, या मेरे विरसन सर छोटे बड़े हो पाएगा नहीं हो पाएगा, या सर छोटा है हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, मैं विश्वास दिलाता हूँ दोस्तों, मैं हूँ जितेंद्र सिंह परवाल, आपके अपने यूट्यूब चैनल इंदौर फिजिकल एकेडमी से। मैं गारंटी लेता हूँ दोस्तों कि जिस भाई ने भी इस वीडियो को पूरा फॉलो कर लिया पूरे डाउट से क्लियर हो जाएगी। पहली बात दोस्तों, जैसे दोस्तों आप कभी मेडिकल टेस्ट करवाने जा रहे हैं, मेडिकल टेस्ट होता है दोस्तों फिजिकल टेस्ट के बाद में, जब आपकी 1600 मीटर दौड़ कंप्लीट हो जाएगी, आप चेस्ट में पास हो जाएंगे, आप हाइट में पास हो जाएंगे, आप झिकझक में पास हो जाएंगे, और आप लॉन्ग जंप में पास हो जाएंगे, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पास हो जाएंगे, उसके बाद में दोस्तों आपको मेडिकल स्लिप मिलती है। और जब मेडिकल टेस्ट होता है दोस्तों तो किन किन बातों का विशेष ध्यान देना, पहली बात दोस्तों बताना चाहूंगा, जब भी आप वहां पर जा रहे हैं दोस्तों तो समय का विशेष ध्यान दें, क्योंकि दोस्तों जितना ज्यादा टाइम पर आप पहुंचेंगे उतना ही ज्यादा आप लोग के लिए बेनिफिट है। और कभी मेडिकल टेस्ट देने जा रहे हैं तो दोस्तों आप अपनी बॉडी को दोस्तों पूरी साफ सफाई करवा ले, क्या करवा ले, क्योंकि साल भर मेहनत करते हैं और माइनर मिस्टेक के बाद में हल्की सी भी गलती हो जाती है दोस्तों तो उसमें मेरी मेडिकल पॉइंट मिल जाता है, और रीमेडिकल पॉइंट मिल गया तो टेंशन बढ़ जाएगा और दूसरी वाला पॉइंट भी आपको मिल जाएगा। ध्यान रखना मेरी बात को, कैसा लग रहा आप सभी को, फौजी बनोगे। तो साथियों मैं बताना चाहूंगा, जब भी आप वहां पर जा रहे हैं तो अपनी बॉडी को एकदम साफ सुथरा करवा ले, जैसे बाल वगैरह कटवा ले, कान का मेल वेल कटवा निकला ले, इसके बाद में दोस्तों यहाँ के बाल कटवा ले, यहाँ पर कभी बाल है और वहां पर भी दोस्तों कभी आपको बाल है, तो दोस्तों पूरी बॉडी को दोस्तों आप साफ सुथरा करवा के जाए। फर्स्ट बात मेरी बात को भी सुनिए, जब भी मेडिकल टेस्ट करवा रहे हैं दोस्तों तो ज्यादा हबड़ हबड़ ना करें, एडवांस ना चले। मैं बोलना चाहूंगा कि जितना ज्यादा आप अनुशासन के साथ में रहोगे, डिसिप्लिन, फौजी भाई को सबसे ज्यादा पसंद है क्या है, अनुशासन, और कभी अनुशासन है तो मैं बोलना चाहूंगा दोस्तों कि आप आधे क्या हो गए, पसंद मारी। पहली बात दोस्तों, जब भी मेडिकल टेस्ट देने जा रहे हैं तो घबराना नहीं है, जैसे फौजी भाई आपके सामने है तो नॉर्मल तरीके से आपको रहना है, डर गए तो मर गए, जिस चीज का भय रहता वही चीज क्या करती बेटा, मरवाती है। यहां रखना, आपकी आंखें की बात करता हूं दोस्तों, सबसे पहले 6x6 होना चाहिए आपकी आंखें, पेंसिल द्वारा दोस्तों वहां पर चेकअप किया जाएगा, तो आपकी पुतली सही तरीके से व्यवस्थित तरीके से घूमना चाहिए, है ना, कलर विजन चेक होगा दोस्तों आपका, तो वो चीज का विशेष ध्यान देना, नाक आपके नॉर्मल इस तरह होना चाहिए दोस्तों, तिरछी नहीं होना चाहिए, मूड़ी भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल तरीके से आपकी नाक होना चाहिए, कान का पर्दा आपका फटा हुआ नहीं होना चाहिए, कान के अंदर मेल नहीं होना चाहिए, ध्यान देना दोस्तों, और दोनों कान से दोस्तों प्रॉपर तरीके से क्या होना चाहिए, सुनाई देना चाहिए नॉर्मल तरीके से, इसलिए कान चेक होते हैं, खुदा ना खास्ता कोई आतंकवादी आ गया और पीछे आ गया और वार कर दिया तो, बात समझ में आ रही, आंखें इतनी तेज होना चाहिए, कान आपके इतने तेज होना चाहिए जिस तरह आपकी आंखें, बात समझ में आ रही है। दोस्तों आपका मुंह ओपन करो बेटा, मुंह में चार उंगलियां जाना चाहिए, पायरे वाली बीमारी नहीं होना चाहिए, दांत आपके सड़े हुए नहीं होना चाहिए, दो दांत तीन दांत कभी कम भी है तो चल जाएगा, लेकिन मुंह में से बदबू नहीं आना चाहिए, दांत आपके ढीले हुए नहीं होना चाहिए, दांत आपके आगे पीछे ज्यादा नहीं होना चाहिए, समझ आ रही है। ये दोस्तों अपना भाग पूरा कंप्लीट हुआ, शोल्डर अप डाउन नहीं होना चाहिए, नॉर्मल तरीके से होना चाहिए, चेस्ट आपके दोस्तों बराबर होना चाहिए, समझ आ रही, ज्यादा ढीले नहीं होना चाहिए, 21-20 होता है किसी भाई का चेस्ट थोड़ा हल्का सा डाउन अप होता है, 21-20 होता है दोस्तों क्या हो जाएगा, चल जाएगा, क्या हो जाएगा, लेकिन कभी आपका चेस्ट क्या है, ढीला है, आपके निपल्स क्या है, ढीले है, तो वहां पर दोस्तों आपको रीमेडिकल पॉइंट मिल जाएगा। दोस्तों ये कंप्लीट भाग हो गया, इसके बाद में दोस्तों उंगलियां आपकी कटी पिटी नहीं होना चाहिए दोस्तों, देख लीजिए आप, उंगली आपकी मुड़ी भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल दोस्तों ये स्ट्रक्चर होना चाहिए, हाथों में उंगलियों में पाम में पसीना नहीं आना चाहिए, एल्बो दोस्तों देख लीजिए आप,
मुड़ना नहीं चाहिए, मिलना नहीं चाहिए। ये दोस्तों देख लीजिए इस तरह, दोस्तों मैं 3 बार फिट हूँ दोस्तों, इतना डिस्टेंस होना चाहिए। देख लो भाई लोग, ये डिस्टेंस है ना, कोनियों के बीच में इतना डिस्टेंस होना चाहिए, उंगलियां आपकी कटी पिटी नहीं होना चाहिए, उंगलियों का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, मुड़ी हुई नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही? कोई डाउट आपको? वेरी गुड दोस्तों, ये कंप्लीट हो गया। नौकरी दो रुपया आपस में मिलाओ, दोनों घुटनों के बीच में दोस्तों तारा पास में लेकर इतना डिस्टेंस होना चाहिए, पैर में राड लगी नहीं होना चाहिए, डिस्टेंस इतना होना चाहिए, ध्यान दीजिए, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। उधर देखो, वो जो वेरिकोस वाली प्रॉब्लम होती दोस्तों, जो नस निकलती बाहर यहाँ पर निकलती दोस्तों, वो वाली समस्या नहीं। पूरे डाउट एकदम क्लियर हो गए? यस सर। इसके बाद में दोस्तों क्या होता, कोई बोलता है कि सर मेरा वर्सन छोटा बड़ा चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 21वीं से चल जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? कोई बोलता है कि सर मेरा छोटा है, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वहां साइज की जरूरत नहीं पड़ती है, होना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात, हंसने वाली बात नहीं। एक छेद होना चाहिए, दो छेद नहीं होना चाहिए। किसी भाई के 2 छेद होते हैं तो बाहर कर देते हैं, है ना, मूत्र मार्ग की जगह। किसी भाई का ऑपरेशन क्या होता है, एक होता है, कितना होता है, बाहर हो जाता है। 3 होता है, क्या होता है, बाहर हो जाता। 2 होना चाहिए, 21वीं से चल जाएगा। बात समझ में आ गई है ना? नॉर्मल पूरी आगे 6 बाई शोल्डर नाक कान, बढ़िया दोस्तों। देख लीजिए आप, बवासीर वाली समस्या नहीं होना चाहिए। मैं आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, वीडियो कंटिन्यू अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना, और कभी आपको भी अपने सपने को साकार करना है तो दोस्तों देख लो आप, हमारे यहाँ दोस्तों 3 ग्रुप बनते हैं, 300 के। ईमानदार से बताना बेटा कैसी तैयारी चल रही है, ट्रेनिंग में मजा रहेगा, जोरदार चाल बेटा। दोस्तों कोई दिखावा नहीं है, जो बंदा नहीं दौड़ता नेतागिरी करता लट पड़ती है, क्योंकि माँ बाप एक विश्वास करके छोड़ के जाते हैं कि मेरा बेटा क्या बनेगा, और हमारा काम है आपको फौजी बनाने का, कैसे भी बनाओ लेकिन माँ बाप का विश्वास जीतना। आने वाली 15 तारीख से इंदौर फिजिकल एकेडमी की न्यू बैच स्टार्ट हो रही है, आप भी आए इंदौर फिजिकल एकेडमी और आप भी अपने सपने को साकार करिए। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, वीडियो कंटिन्यू अच्छा लगा तो जो भाई आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उस ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में या स्टेटस जरूर बनाएं। जय हिंद, जय भारत। इंदौर फिजिकल एकेडमी की केवल एक ही ब्रांच है जो कि इंदौर मध्य प्रदेश में है, रिद्धि सिद्धि हॉस्टल, भारत माता की। फौजी बनोगे? यस सर।